आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। देखिए यहाँ पे एक कमेंट हम ले रहे हैं, सुनील सिंह साहब ने पूछा, सर हिमाद्री की स्पेशलिटी केमिकल्स 93 के रेट पर हमने 2800 शेयर्स लिए हैं, बहुत डैमेज हो रहा है, क्या करें। मानता हूँ कि अभी बहुत गिरावट है लगातार, तो हिमाद्री केमिकल्स, हालांकि हमने तो कभी इस पे वीडियो नहीं बनाया हुआ, तो चलो इसी बहाने एक वीडियो बना देते हैं इस पे भी। और आपने क्या सोचा था जब आपने लिया था, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा? 3 साल था, 5 साल था, 10 साल था, या आपने सोचा कि चलो हम 93 के भाव पे ले लें और एक साल में अगर डबल हो जाए तो हम निकल जाएंगे? ऐसे होती है बहुत सारे निवेशकों की सोच जो रिटेल निवेशक होते हैं, बट मैं आपको नहीं कह रहा। तो अगर आपने सोचा होगा लंबे समय के लिए और आपने इस कंपनी में स्टडी की होगी, तो देखिए लेने से पहले ज़रूर आप, मैं सारे सब्सक्राइबर्स को बताना चाहूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसके पहले कंपनी के बारे में जाने, उसके मैनेजमेंट के बारे में जाने। बेसिक 3 4 5 चीज़ें अगर आप जान लेते हैं तो बहुत चीज़ें, 10 20 चीज़ें हैं, उन पर डिटेल पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं। पहली चीज़ तो आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं तो बहुत सारी कंपनियां होती हैं, किसी किसी भी प्रोडक्ट में आप ले रहे हैं, किसी भी कंपनी का स्टॉक ले रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी जो है कंपनीज होती हैं। तो आपको देखना है कि उस कंपनियों में लीडर कौन है, कौन सुपर है, फिर उसका देखना है कि प्राइस क्या है। अगर आपको लगता है महंगा प्राइस है, चलो वो लीडर को छोड़ दो, उसके नीचे कौन है जो ज़बरदस्त कंपनी, उसके बाद सेकेंडरी आती है, उसके अगर प्राइस कम है, इस तरीके से। और कुछ चीज़ें आप ये भी देख सकते हो, मैनेजमेंट कैसा है इनका, इनके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, इनमें किसी प्रकार का कर्जा तो नहीं है, है ना। वो भी मैं एक दिन वीडियो बनाऊंगा कि कैसे जो बिगिनर्स है वो कैसे स्टॉक चुनते समय कुछ बेसिक फंडामेंटल देख सके, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता, देखिए मैं इस पर तो ये नहीं कह सकता कि आप होल्ड करें या निकल जाएं, क्योंकि मैं फंडामेंटल बताऊंगा, निर्णय आपका होगा, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मैं अभी इस पर देखो कह तो दूँ, कहने में क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को भी दुष्प्रभाव पड़ता है, लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, तो उसी तरीके से अर्धसत्य जो है लोगों को मालूम पड़ता है और अर्धसत्य में ही वो डिसीज़न लेके खरीदिंग या बाइंग कर लेते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपने लंबा समय रखा है तो कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, जान लीजिए, और उसके कुछ फंडामेंटल भी दिखाऊंगा कि वर्तमान स्थिति क्या है, इसके क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रहे, और आने वाले रिजल्ट्स भी हैं जो Q1 के इसके अभी तक नहीं आए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए, और अगर आपको लगता है कि मैं इस कंपनी से निकल के, हालांकि काफ़ी नीचे पे है अभी भाव चल रहा है इसका, मैं बताऊंगा, तो आपको लॉस तो हो रहा है इस स्टॉक में, आपने इतनी बड़ी क्वांटिटी ली है, तो थोड़ा सा रिसर्च आपने ज़रूर किया होगा, नहीं किया हुआ तो भी डोंट वरी, अभी इस पूरे भारतीय बाज़ार में ही गिरावट है तो हम देख लेते हैं, आप घबराने की ज़रूरत नहीं। पहली भी चीज़ तो आप घबराए नहीं, है ना, आपने लिया है तो कुछ ठीक है, केमिकल कंपनी है। 71 रुपये आज इसका स्टॉक प्राइस है, 5 रुपये 75 पैसे की, देखिए इसमें 8.73% की अपसाइड है। आज 6 अगस्त 2019 एक बज चुके हैं और पूरे बाज़ार में आज हरे के निशान पे है, चलिए अच्छी बात है, 300 पॉइंट के आसपास है इस समय। और जो 52 वीक इसका हाई था 147 था और लो बनाया था इसने 61 का, तो अपने लो के आसपास ही, हाई से तो बहुत नीचे है। खैर अब अगर हम बेसिक चीज़ें भी देख ही लेते हैं ताकि आपको भी सहूलियत रहे, देखिए यहाँ पे स्टैंड अलोन के चार्ट पे अगर है तो मार्केट कैपिटल है 2888 करोड़, यानी कि ये एक स्मॉल कैप है, और अर्निंग पर शेयर 7.34, पी रेशियो 9, जबकि इंडस्ट्री पी 39 की है, और प्राइस टू बुक है 1.72 की, फेस वैल्यू 1 की रह गई है, 52% के आसपास की डिलीवरी है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। और चलिए हम फाइनेंशियल भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। देखिए दिसंबर 2018 से मार्च 2019, अभी चूंकि Q1 के नहीं आए हैं तो Q4 के हम देख लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2019। और दिसंबर 2018 में जो इसकी नेट सेल्स थी 586 करोड़ की, वहीं मार्च 2019 में हो गई 583 करोड़, यानी कि थोड़ी सी ज़रा सी 0.55% की नेट सेल्स में डाउन साइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 7.10% की यहाँ पर जो है डाउन साइड है, और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ जो ब्याज वगैरह भरते हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे करीब करीब 14% का लॉस है, और मार्जिन भी यहाँ करीब 1.5% जो है डाउन साइड है। और लेकिन हम अगर ईयर ऑन ईयर मार्च 2018 से मार्च 2019 में कंपेयर करते हैं तो नेट सेल्स में ज़रूर अच्छे ईयर ऑन ईयर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 550 करोड़ की जो मार्च 2018 में थी, मार्च 2019 में हो गई 583 करोड़ की, जो कि 5.94% की अपसाइड है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में थोड़ी सी डाउन साइड है, और इंटरेस्ट अगेन यहाँ पे कम हुआ है ईयर ऑन ईयर,
और नेट प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, 1.33% के आसपास है। मतलब मार्च 2018 में अगर 71 करोड़ के आसपास थी तो 72 करोड़ हो गई मार्च 2019 में। और अगेन यहाँ पे मार्जिन पे थोड़ा सा फिर दबाव बनता दिख रहा है, 1.45% के आसपास। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम देखें तो कोई शेयर इनका गिरवी भी नहीं है और प्रमोटर्स के पास अच्छी होल्डिंग है, 48% के आसपास है। FIIs में अच्छी बात है, 57 FIIs हैं, म्यूचुअल फंड्स भी कुछ हैं और इंडिविजुअल है 16% के आसपास। म्यूचुअल फंड्स और FIIs ने अपनी थोड़ी सी होल्डिंग इंक्रीज़ भी की हुई है। तो इसे केमिकल की जनरल कंपनियाँ क्या होती हैं कि थोड़ा सा रिटर्न अच्छा देती हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें से भी देखना पड़ता है कि हमें कौन सी कंपनी हम चूज़ कर रहे हैं। और इस तरीके से अगर हम टोटल कर्ज़ा भी देख लें बैलेंस शीट पे इनके तो कितना है, तो कर्ज़ा भी इनका जो है थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है मार्च 17 से मार्च 18 में ही यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से और रिटर्न वाइज अगर हम देखते हैं तो 10 सालों में 91% के हैं, जो कि काफ़ी कम है, और 5 सालों में भले ही 135% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं, 4 सालों में भी करीब करीब 200% के आसपास, मान लीजिए 194, और 3 सालों में 76%। लेकिन लगातार 2 सालों से इसमें इतनी गिरावट आ चुकी है कि सब हरे के वो सब सॉरी लाल के निशान पे, मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है तो उनका 2 सालों में 19% का लॉस है, 1 साल में 51% के आसपास, ईयर टू डेट 48%, 6 मंथ में 40%, 3-7 में 37% और 1 मंथ में 34%, 1 वीक में भी 17% की गिरावट है। लेकिन आज थोड़ा सा यहाँ पे जो है 2.89% की अपसाइड दिखा रहा है रिटर्न वाइज है। और केमिकल्स की है काफ़ी पुरानी कंपनी, 1987 से काम कर रही है। डिविडेंड इन्होंने 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से पे किया था 2018 में। और अब देख लेते हैं इनके प्रोडक्ट्स में क्या है। हिमाद्री केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोल तार। आपने तार कोल सुने, जो सड़कों पे ये तार कोल इस्तेमाल होता है, कंक्रीट वंक्रीट को लेके जो सड़कें बनाई जाती है। और भी इनकी कई इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग तरीके के कई प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हम बेसिक चलें तो टायर्स में इनके यूज़ होते हैं, ब्लैक कार्बन, मैकेनिकल रबर गुड्स है ना जो, और केमिकल्स देखिए जो प्लास्टिक में अलग अलग तरीके के कलरफुल होते हैं, डाइज एंड इंटरमीडियरीज, इस तरीके से इन इंडस्ट्रीज़ में ये इनके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं। और अगर हम प्रोडक्ट्स पे क्लिक करें, हाँ, लियोन बैटरीज भी ये जनरली जो होते हैं स्ट्रक्चर उनका, तो उस पर भी इनके कार्बन और केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं। एलुमिनियम भी जो कलरिंग होती है, अगर ग्रेफाइट में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो कंक्रीट में उसको मिक्स करके एक फॉर्मूला देते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होता है, और एडवांस कार्बन प्रोडक्ट्स ये सब इस्तेमाल होते हैं। देखिए इनके जो है तो एडवांस कार्बन मटेरियल्स, कार्बन ब्लैक, कोल तार, पिच और नैप्थलेन डेरिवेटिव्स, यस, एंड इस तरीके से सल्फोनेटेड नेफ्थेनॉल फॉर्मुलेटेड पॉलीकार्बोक्सलेट, स्पेशलिटी ऑयल्स में भी हैं। इस तरीके से इनकी ये प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को ये प्रोवाइड कराते हैं। तो प्रोडक्ट्स इनके नो डाउट ज़बरदस्त हैं। और इस तरीके से अब हम अगर इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.14 है, सेल्स ग्रोथ इनके 12% के आसपास है, फेस वैल्यू एक की हम देख ही चुके हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी है 21% के आसपास। तो ओवरऑल जब हम देखने पे हमें ये पता चलता है कि इस समय फिलहाल जो स्थिति है, कर्जा देख लें यहाँ पे टोटल डेट है 429 करोड़ का, चलिए ठीक है। तो जो स्थिति है ऐसे में फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव तो है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा अभी भी दिख रहा है ना। तो अब इसमें दो चीज़ें हो सकती कि अगर मैं होता तो इस स्टॉक में तो पैसे नहीं डालता, क्योंकि मेरे ऑप्शन में मेरे पास कई सारी ऐसी दिग्गज कंपनियां भी हैं जिनके फेयर वैल्यूएशन में रेट मिल रहा है। और अगर आप इसमें एग्जिस्टिंग हैं और आपका लंबा पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप बने रहें। मैं ऐसा कहता हूँ कि हो सकता है कि भविष्य में अगर इसके आने वाले रिजल्ट्स अच्छे रहे तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर लगातार आपके रिटर्न ख़राब रहे तो फिर थोड़ा सा इसमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। यही मैं कहना चाहूँगा, और अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए आप थोड़ा सा चाहें तो इसमें एवरेज करने की सलाह तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है अभी इसमें, लेकिन आज थोड़ा सा परफॉर्म बेहतर कर रहा है। तो Q1 के रिजल्ट्स देखने के बाद ही इसमें कोई डिसीजन लिया जा सकता है। और फ्रेंड्स, अगर जैसे कि आपने मुझसे मशवरा लिया था कि इसमें हाँ आप क्या करें, तो
कुछ चीज़ें ये भी बता दिया करें कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है, कि आप हो सकता है कि अच्छे आने वाले टाइम में 3 साल 5 साल में कंपनी बेहतर परफॉर्म करे, क्योंकि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं इसमें, कुछ चीज़ों में इनकी महारत भी हासिल है, जो यही प्रोडक्ट सिर्फ बनाते हैं, स्पेशलिटी इनकी है उसमें। तो इस तरीके से कंपनी तो अच्छी है और अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी इनके, तो हो सकता है काफ़ी गिरावट आई 2 साल में, तो बाउंस बैक भी कर सकता है जब मार्केट में रैली आया, या फिर हो सकता है पूरा केमिकल सेक्टर, या फिर क्योंकि केमिकल्स के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इसके, लेकिन वर्तमान स्थिति थोड़ा सा अभी डावाडोल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर कोई आपके सुझाव हो या फिर लगता हो कि आपको कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में या इस स्टॉक के बारे में, हो सकता है कि अभी मेरे सुपर वॉच में नहीं था, आप लोग भी इससे ज़्यादा परिचित हो, ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।